वेलकम बच्चों, हम लोगों ने बंद करो मोबाइल, बंद करिए मोबाइल, आवाज आ रहा है मोबाइल बंद करिए। अब देखिए हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंटीग्रमेंट के बारे में ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओव्यूल के बारे में पढ़ाई किया था और अब देखेंगे इंटीग्रमेंट के बारे में। आज एक्चुअली हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, है ना। तो याद रखना, जैसे कि इंटीग्रमेंट जो होता है, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो मेगास्पोरेंजियम या इंटीग्रमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसी को हम ओविल बोलते हैं। तो इंटीग्रमेंट एक्चुअली एक मल्टी लेयर्ड सेलुलर कवरिंग होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये न्यूक्लियस क्या होता है, हमने बताया था ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब इंटीग्रमेंट दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक इंटीग्रमेंट प्रेजेंट है मेगास्पोरिज्म के साथ, अगर एक इंटीग्रमेंट प्रेजेंट है तो कहेंगे यूनिटैग्मिक ओव्यूल। जनरली ये गैमोपेटली में देखने को मिलता है। और अगर दो इंटीग्रमेंट प्रेजेंट है, जैसे ये एक इंटीग्रमेंट यदि दो इंटीग्रमेंट प्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक इंटीग्रमेंट ये है एक ये है, तो कहेंगे बायोटेक्मिक ओव्यूल। अगर हम बायोटेक्मिक ओव्यूल को देखते हैं तो जो पोर्शन माइक्रोपाइल का आउटर इंटीग्रमेंट कवर किया है उसको बोलते हैं एक्सोस्टोम, और जो अंदर वाला इंटीग्रमेंट कवर किया है कहते हैं इसको एंडोस्टोम, है ना। अब होता क्या है बच्चों कि ये तुमको पता है ये माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। इसको हमने कहा चलाजल एंड है। ये माइक्रोपाइलर एंड है और एक चलाजल एंड है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर एक सिंगल सेल, जो सिंगल सेल न्यूक्लियस का एक सेल जो होता है, न्यूक्लियस का एक सेल किधर का? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। सिंगल सेल ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड स्टार्ट बिहेविंग एज आर्चिस्पोरियल सेल और आर्चिस्पोरियम। और वो आर्चिस्पोरियल सेल या आर्चिस्पोरियम डायरेक्टली या तो डायरेक्टली बिहेव करना शुरू कर देती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल। तो अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की तरफ, थोड़ा इसको देखेंगे डिटेल में। मेगास्पोरोजेनेसिस लिखो, अ सिंगल सेल ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बिहेव्स एज आर्चिस्पोरियम और आर्चिस्पोरियल सेल, एंड दिस आर्चिस्पोरियल सेल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हम बोल देते हैं कि हमारा एक आर्चिस्पोरियल सेल है, आर्चिस्पोरियल सेल, या इसी को हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियम। अब यही आर्चिस्पोरियम जो होगा बिहेव कैसे करेगा? इट विल बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्रायोरिटी क्या होगी बच्चों? 2n होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस भी तो 2n था, ओविल भी तो 2n था। तो मेगास्पोर मदर सेल की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 2n होगा। अब इस मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल कहां पोजीशंस की है? माइक्रोपाइल, है ना, और इसके अपोजिट में क्या है? चलाजल। अब देखो जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब इससे कैसे मेगास्पोर बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको रब कर देता हूं। आप देखो बच्चों, देखो
जैसे ये हमारा एक मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। प्लॉडी क्या होगी बच्चों बताते रहो, टू यन होगा, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस में जानते हो होता है मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसकी प्लॉडी आधी हो जाएगी, तो बन गया दो सेल, बन गया ना। अब इसमें होगा मियोसिस टू, इसमें क्या हो जाएगा, दो से बन जाएंगे चार, बन गया चार, बोलो। तो यहां दो मेगा स्पोर है, यहां पे चार मेगा स्पोर है, इसकी भी प्लॉडी एन है, इसकी भी प्लॉडी एन है। अच्छा ये हम माइक्रोपालिका हैं, दोस्तों क्या कहेंगे, चला जा इस एंड को रिलेट करो, ये मेगा स्पोर मदर सेल कहां का था, ओव्यूल के माइक्रोपाइलेंट का, तो मतलब ये भी माइक्रोपाइलेंट होगा और ये क्या होगा, चला जा, ये माइक्रोपाइलेंट होगा और ये क्या होगा, चला। अब बच्चों होता क्या है, तीन मेगा स्पोर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलेंट, तीन मेगा स्पोर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलेंट डीजनरेट, मतलब ये तीनों मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, केवल एक ही बचता है जो कि फंक्शनल होगा, इसलिए उसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। मतलब ये जो मेगा स्पोर है हमारा, अगर इसको देखें तो केवल एक ही मेगा स्पोर बचता है जो कि फंक्शनल है, केवल एक ही मेगा स्पोर बचता है जो कि क्या है, फंक्शनल है, बाकी तीनों मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाते हैं। कहां का डीजनरेट करेगा, माइक्रोपाइलेट, चला जा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलेंट का तीन मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाएगा, बस बचेगा केवल एक ही मेगा स्पोर जो कि होगा फंक्शनल। तो ये मेगा स्पोर हमारा क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, ठीक है। तो एक मेगा स्पोर बचा जो कि था फंक्शनल हमारा, इसकी प्रायोरिटी क्या है, एन। और कौन सा मेगा स्पोर फंक्शनल होगा, वो मेगा स्पोर फंक्शनल होगा जो कि चला जा की तरफ प्रेजेंट होगा। अब होता क्या है कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये जो हमारा एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। मान लो एक बार माइटोसिस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, मतलब माइटोटिक डिवीजन यदि एक बार हुआ तो दो मेगा स्पोर बन जाएंगे, मतलब माइटोसिस में तो प्रोडी चेंज होगा नहीं, तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर से दो न्यूक्लियस बन गए, सेल नहीं कहेंगे न्यूक्लियस। अब दूसरा होगा तो दो से चार बन जाएंगे, सॉरी माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, मतलब दोबारा का माइटोसिस इसमें होगा तो दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन गए ये। अच्छा एंड कौन सा, अभी भी इसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलिस क्या कहेंगे, चला जा, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलिस क्या कहेंगे, चला जा, रेफरेंस देखते जाओ। अब तीन बार माइटोसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यस, चार चार आठ न्यूक्लियस बन गए, कितने न्यूक्लियस बन गए, आठ न्यूक्लियस, ये माइक्रोपाइल, ये चला जा। अब आप यहां पे कह सकते हो यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यस, दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो ये तो जो माइटोटिक डिवीजन है कैसे है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यहां तो बना लो, देखो एक मेगा स्पोर मदर सेल हुआ मियोसिस फर्स्ट, बन गए दो मेगा स्पोर, मेगा स्पोर डायड हमने कहा, मियोसिस सेकंड हुआ, चार मेगा स्पोर बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड कहा, लेकिन माइक्रोपाइल से लेकर के नीचे के तीन मेगा स्पोर डीजनरेट हो गए, हमारे किसी काम करें, केवल एक मेगा स्पोर जो कि कहां प्रेजेंट था, चलाइजा के पास, वो फंक्शनल निकला और उसमें हुआ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कितने बार, तीन बार, तीन माइटोसिस हुआ तो आठ न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, देखो आप देखो बच्चों, अब जो फ्री न्यूक्लियस है,
अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। ये देखो सर बड़ा हम बना रहे हैं, ये हमारा कौन सा एंड बच्चों, माइक्रोपाइल। ये कौन सा है, चला गया। तो तीन न्यूक्लियस जो कि माइक्रोपाइल की तरफ पाए जा रहे हैं, ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और चलाजा की तरफ भी तीन न्यूक्लियस इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और दो न्यूक्लियस जो होंगे वो फ्रीली फॉर्म में मिलेंगे कहां पे, सेंट्रल सेल में, है ना। तो ये जो दो तीन न्यूक्लियस हैं कहां, माइक्रोपाइल एंड पर, इसमें से जो दो न्यूक्लियस हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहेंगे बच्चों, सिनर्जिड। अब ये किससे बना है, मियोसिस से बना है ना, मतलब प्लॉयडी क्या होगी इसकी, एन होगी। और एक ये देखो इसको कहेंगे हम एग सेल, ठीक है बच्चों, एग सेल। और ये तीन जो चलाजा की तरफ पाए जा रहे हैं इनको एंटीपोडल बोलते हैं। इसकी प्लॉयडी क्या होगी, एन होगी। और बीच में जो दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक बच्चों। और सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो जो बच्चों सिनर्जिड और एग सेल मिलकर के क्या बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम एग अपैरेटस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब याद करो हमने बताया था कि गैमेटोफाइट में गैमेट का होना जरूरी है, तो हमने एग सेल इट विल एक्ट एज अ गैमेट, और कैसा है, हैप्लॉयड है, इसलिए यही एम्ब्रियो सैक हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब एक चीज देखो कितने सेल है, देखो एक दो तीन सेल, तीन छह सेल और एक सात सेल, सात सेल। न्यूक्लियस कितने हैं, आठ, तीन छह दो आठ। तो मतलब ये एम्ब्रियो सैक कैसा हुआ, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। ये है हमारा सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक, एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों जो सेवन सेल एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक है, एक्चुअली एम्ब्रियो सैक कई तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो सेवन सेल एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक है इसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारा पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक है, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा किस कैसा हो गया, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक हो गया। तो कई तरह के एम्ब्रियो सैक है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल हमको यही पढ़ना है, हमारे नीट में भी यही आएगा, तो इसी को पढ़ेंगे। तो एक बार याद रखना कि एक मेगा मदर सेल से अगर हमको बनाना है एक एम्ब्रियो सैक, तो कितना मियोसिस, मियोसिस एक माइटोसिस तीन, मियोसिस एक माइटोसिस तीन। मियोसिस एक का मतलब मियोसिस फर्स्ट सेकंड दोनों सी में आ गया, माइटोसिस तीन। माइटोसिस कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, बाद में सेल वॉल बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ बना और यहाँ पे देखो सिनर्जिड हैप्लॉयड है, एग सेल हैप्लॉयड है, एंटीपोलर सेल हैप्लॉयड है, पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, ये भी हैप्लॉयड होगा, ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, है ना। एम्स में सवाल पूछ लिया गया था कि पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉडी क्या होगी, एन प्लस एन लिखते है ना, तो एन प्लस एन का मतलब हैप्लॉयड ही होता है, डिप्लॉयड नहीं होता है, ठीक है, डिप्लॉयड नहीं होगा, एन प्लस एन का मतलब हैप्लॉयड ही होता है। आपने फंजाइम पढ़ा रहा होगा, डायकैरियोटिक फेज। तो जब तक न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा तब तक डिप्लॉयड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलीगोन टाइप एम्ब्रियो सैक है हमारा, जो पॉलीगोन टाइप एम्ब्रियो सैक है हमारा, इसी को हमको पढ़ना था। तो इट्स ऑल अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चीजें आसानी से समझ में जाएंगे, ठीक है, बना लीजिए इसको।